हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर कुछ मिल भी नहीं रहा है और इसी बहाने लोग जो हैं कुकिंग सीख रहे हैं। तो सबकी डिमांड पे मैंने आज घर पे बनाया है चीज सैंडविच और ये बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, तो इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इंग्रेडिएंट्स का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साथ ही आप इंजॉय कीजिए ये म्यूजिक। तो मिलते हैं म्यूजिक के बाद। ओके, तो म्यूजिक के बाद लेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, 2 छोटे प्याज ले लें, 2 लहसुन की कलियां लेंगे, साथ ही 1 कटोरी लेंगे हरा धनिया, क्योंकि हम अब इसकी चटनी बनाएंगे सैंडविच के लिए। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को एक ब्लेंडर में ले लीजिए और उसके बाद तकरीबन 1 से 2 चुटकी के करीब आप इसमें जीरा डाल दें। थोड़ा सा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, थोड़ा सा लेंगे पानी, जैसा भी आप पतला रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे चटनी तैयार है। अब देखते हैं कि हमें और क्या चाहिए। तो इसी के साथ हमें चाहिए फ्रेश टमाटर के स्लाइसेस, फ्रेश ककड़ी के स्लाइसेस ले लें और चटनी तो हमने तैयार कर ली है, जितना हो सके पतले स्लाइसेस कट कर लीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड सैंडविच लिया है और उसके बाद हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से चटनी लगा देंगे। चटनी लगाने के बाद इस ब्रेड के ऊपर हम सबसे पहले टमाटर रख देंगे। टमाटर के स्लाइसेस अच्छी तरह से सेट करके रख दीजिए। उसके बाद हमने लिया दूसरा ब्रेड। अब दूसरे ब्रेड पे भी हम अच्छी तरह से जो है चटनी लगाएंगे, कंजूसी नहीं करेंगे। तो चटनी लगा दी मैंने, उसके बाद हम इस पे ककड़ी के स्लाइसेस अच्छी तरह से सेट करके रख देंगे। तो ये रख दिए मैंने ककड़ी के स्लाइसेस। अब टाइम है तीसरे ब्रेड का। तो तीसरा ब्रेड रख दिया, हल्के हाथों से दबाएं, इसे ज्यादा ना दबाएं। और उसके बाद शार्प नाइफ से आप इसे इसकी किनारी काट लीजिए। सावधानी से काटें, ध्यान से, क्योंकि इसकी ककड़ी के और टमाटर के स्लाइसेस निकलने नहीं चाहिए। तो ये मैंने चारों साइड से काट लिया है, चारों साइड से। उसके बाद बीच में से ट्रायंगल कट करके, फिर से ट्रायंगल को कट करके इसे हम 4 पीसेस में कट करेंगे। तो ये सैंडविच तैयार है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है प्लेट में और उस पर मैं रख देती हूँ सैंडविच। तो ये रख दिया सैंडविच, टिश्यू पेपर ऑप्शनल है, आप नहीं भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं। अब टाइम है चीज का, तो चीज को अच्छी तरह से खिस के इस पे डाल देंगे कद्दूकस करके और ये सैंडविच हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। टोमेटो केचप के साथ आप इसे सर्व करें, चाय टाइम पे एंजॉय करें, शाम के टाइम पे एंजॉय करें, या जब भी आपका मन करे तब आप इसे घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बना है। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें।